दोस्तों अक्सर थाने पुलिस में या छोटी मोटी लड़ाई झगड़े में जब भी कभी पुलिस की एंट्री होती है तो अक्सर आप चाहे किसी भी स्टेट में रहते हो आपने कुछ धाराओं का नाम जरूर सुना होगा। जैसे बोलते हैं 751 की कार्रवाई कर देना, या बोलते हैं 107 151 की कार्रवाई कर देना, या बोलना कि कलंदरा प्रोसीडिंग हो गया किसी के अगेंस्ट, या फिर कलंदरा प्रोसीडिंग में कितने वक्त तक केस चलता है, कलंदरा प्रोसीडिंग होती क्या है, क्या इसमें पुलिस आपको अरेस्ट करके जेल भेज देती है, या फिर क्या आपको थाने से ही बेल मिल जाएगी, या फिर आपको मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करना ही होगा। 751 ही बोलते हैं या फिर 107 151 या फिर 107 150 की कार्रवाई की जाती है। ऐसे काफी सारे मतभेद हैं लोगों के बीच में, क्योंकि अक्सर हम लोग काफी सारे सेक्शंस को शॉर्ट में बताते हैं। ऐसे कई सारे सवाल जो आपके दिल में है 751 को लेकर, या फिर 107 151 की कार्रवाई को लेकर, या फिर कलंदरा प्रोसीडिंग को लेकर, आज आपके उन सभी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे अपनी इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिमिनल प्रैक्टिस और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम चीटिंग एंड फॉर्जरी जैसे संगीन केसेस पर डिस्कस करते हैं अपने इस चैनल पर और आपको बताते हैं आपके कानूनी अधिकार। अगर आपका भी नाम आया है किसी भी तरह के चीटिंग या फॉर्जरी जैसे संगीन केसेस में तो हो सकता है कि ये वीडियो आपके बहुत काम का हो, इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें। सबसे पहले दोस्तों आप ये समझिए कि कलंदरा प्रोसीडिंग होती क्या है। कलंदरा प्रोसीडिंग को आप कुछ इस तरह भी समझ सकते हैं कि जब भी आप रोजमर्रा की जिंदगी में सुनते हैं कि 751 की कार्रवाई कर दी गई किसी पर, तो ये कार्रवाई होती क्या है। पहले तो आप अपने आप को करेक्ट करें, जैसे कि हम बोलते हैं 751, वो 751 नहीं 107 151 दो अलग अलग धाराएं हैं जो सीआरपीसी में जाकर आप पढ़ सकते हैं। 107 नंबर पे क्या लिखा है और 151 नंबर पे क्या लिखा है, ये दोनों अलग अलग एक सेक्शंस होते हैं। साथ में ही 107 के साथ में कई बार 150 की कार्रवाई भी की जाती है। दोस्तों सिर्फ फर्क इतना सा होता है कि ज्यादातर लोग बड़े सेक्शंस या फिर पूरा सेक्शन ना बोलकर उसको शॉर्ट में बोल देते हैं, जैसे कि 107-51 को बोल देते हैं 751 का केस या 751 का कलंदरा, या फिर 107-150 ना बोलकर बोलते हैं 750 का एक कलंदरा बन जाना, या फिर जैसे आप एग्जांपल एक ले सकते हो रेप के केस के अंदर जब भी किसी पर कोई मुकदमा दर्ज होता है, कोई भी ऑफेंस बनता है, तो वहां बोलते हैं कि 76 का केस इसके ऊपर लग गया है, या फिर जब स्टेटमेंट होती है किसी भी विक्टिम की मजिस्ट्रेट साहब के सामने तो वहां 164 की जो स्टेटमेंट होती है उसको वो बोलते हैं कि 64 के बयान हुए हैं, वो 164 का बयान नहीं बोलते हैं, या फिर 161 की भी जो स्टेटमेंट होती है उसको वो 61 की स्टेटमेंट बोल देते हैं। सिर्फ ये शॉर्टकट बोला जाता है उस कंप्लीट सेक्शन को, 751 नहीं होता, इसको 107 151 की कार्रवाई बोली जाती है। ये कार्रवाई होती ही क्यों है और ये कार्रवाई कितने समय तक चलती है? जब भी कभी भी लोग आपसे परेशान होंगे, या फिर मान लीजिए कि आप कहीं पर भी दो लोग या दो से ज्यादा लोग कहीं पर भी लड़ाई झगड़ा आप करते हैं, आप रोड पर खड़े होकर चिल्लाते हैं, या किसी पार्क में है किसी भी तरह से लोगों की शांति आप भंग कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए रोड पर ही हैं दो तीन दोस्त बहुत चिल्ला चिल्ला कर उल्टी सीधी गालियां देकर बातें कर रहे हैं, तो भी ये कार्रवाई की जा सकती है। या फिर कोई भी व्यक्ति अश्लील तरह के कपड़े पहनकर घूमता है, ऐसे अक्सर आप देखते भी होंगे, जिससे कि लोगों की भावनाएं आहत होती हैं या फिर किसी भी तरह से उनको डिस्टरबेंस होती है, जो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होती समाज में। ऐसे मामलों में भी 107 151 या फिर 107 150 की कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों जब भी कोई भी शांति भंग करता है, कभी भी किसी भी तरह से हारमनी और पीस को नुकसान पहुंचाता है, या अक्सर आपने देखा होगा कोई कहीं पर भी अगर नशा कर रहा है शराब पी रहा है तो अक्सर उस केस में भी पुलिस आपको अक्सर आकर पकड़ लेती है। या फिर आप कुछ ऐसे इसको समझें, कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अगर किसी भी तरह से वो शांति को भंग करे, मतलब कि पीसफुल जो एटमॉस्फेयर है उसको डिस्ट्रॉय करने की वो कोशिश करता है, फिर चाहे वो कहीं पार्क में बैठकर शराब पी रहा है, चिल्ला रहा है, रोड पर खड़ा होकर चिल्ला रहा है, या फिर गली में किसी लड़ाई झगड़ा कर रहा है, लोगों को गालियां दे रहा है, ऐसे अक्सर मामलों में, या फिर आपने कभी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, या फिर आप आचार संहिता को भंग करते हैं, दोस्तों एक बात समझ लीजिए कि पुलिस के पास वैसे पावर बहुत सारी होती है। हम हमेशा बोलते हैं कि पुलिस गलत है या फिर पुलिस गलत तरह से कार्रवाई करती है, तो कई बार जो कार्रवाइयां होनी चाहिए थी सीरियस तरीके से, उसमें भी पुलिस कई बार 107 151 की कार्रवाई कर देती है। या आप कुछ इस तरह समझ लीजिए, कहीं पर भी आप लोग हैं और कोई भी आपको गलत तरीके से कमेंट देता है, कमेंट कसता है, या फिर आपसे बहस करना शुरू कर देता है, या फिर दो लोग
रोड पर गाड़ी आमने सामने आई, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। तो यहाँ पर भी वैसे लड़ाई झगड़े में देखा जाए तो अक्सर जो पुलिस कार्रवाई करती है वो 323 आईपीसी के तहत वहाँ पे कार्रवाई करती है, बट 107 151 पिक्चर में तभी आएगा जब वहाँ शांति भंग की जाए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें ताकि इसी तरह की लाइक से हमें मोटिवेशन मिल सके और प्रोत्साहन मिल सके इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। अब दोस्तों बात ये आती है कि क्या पुलिस इसमें अरेस्ट कर ही लेगी। दोस्तों इसमें आप ये समझिए कि 107 और 151 को हटाकर पहले आप समझिए 107 और 150 की कार्रवाई। 107 और 150 की कार्रवाई में कुछ ऐसा होता है कि पुलिस स्टेशन तो आपको बुला लेती है, ले जाती है, बट वहीं से पुलिस आपको डरा धमका कर समझा कर वहां से पुलिस वाले आप लोगों को छोड़ देते हैं और सिर्फ एक नोटिस दे देते हैं और उस नोटिस के आधार पर ही बाद में आपको मजिस्ट्रेट साहब भी बुलाते हैं और सामने जाने के बाद में ही उस चीज पर आगे प्रोसीडिंग चलती है। अब वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें 107 151 तो यहाँ पुलिस आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर लेती है और पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जेल जाओगे, महीनों बाद आपकी बेल होगी, ऐसा नहीं है। पुलिस अगर आपको अरेस्ट कर लेती है 107 151 में तो भी 24 घंटों के अंदर मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करने का जो प्रावधान है हमारे देश के कानून में वो फॉलो करना पड़ता है। अब वो पेश कैसे करते हैं और पेश किसके सामने करते हैं? अब दोस्तों मान लीजिए कि आपके ऊपर 107 151 का कलंदरा आपके ऊपर बन गया तो पुलिस वाले 24 घंटे के अंदर ही दिल्ली में अक्सर क्या होता है कि एसीपी साहब के सामने लेकर जाते हैं और कई बार जिन पुलिस स्टेशन में लेकर जाया जाता है वहीं एसीपी साहब भी बैठते हैं, तो वहीं पर 107 151 के तहत उनको बेल दे दी जाती है। एक वो बेल बॉन्ड देते हैं भरकर, उसमें आपको बेल आपकी एक्सेप्ट कर ली जाती है, बेल दे देते हैं, वहीं से आपको छोड़ देते हैं, क्योंकि एसीपी के पास जो पावर है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जो पावर्स होती हैं जो उनको मिली है उसके तहत ही आपको वहां से छोड़ा जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपका ये केस यहीं पर खत्म हो गया और अब ये आपका केस आगे चलेगा, नहीं, केस चलता है। अक्सर देखा गया है कि 6 महीने तक ये केस चलता है या फिर आप उसी दिन अगर चाहे केस खत्म करने की तो आप पीस बॉन्ड भरकर भी वहां पर आप दे सकते हैं, बट पीस बॉन्ड भरने में थोड़ा सा आप बाउंड हो जाते हैं। पीस बॉन्ड क्या होता है, किस तरह से ये काम करता है, इसके बारे में कोई और वीडियो लेकर आएंगे, उसमें आपको डिटेल में आपको हम सब बताएंगे। अब क्योंकि हमारे देश के कानून में ऐसा मेंशन है कि 24 घंटे के अंदर या 24 घंटे के भीतर ही मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया जाएगा जो भी वो एक्यूज है, जिसने भी शांति भंग करने की कोशिश किया या फिर उसने शांति भंग की है, तो ऐसे मामले में एसीपी साहब वहीं से उसको बेल दे देते हैं। बट कई बार उसको सबक सिखाने के लिए कि वो दोबारा ऐसी गलती ना करे, कई बार जो सिक्योरिटी दी जाती है, जो बेल लेने के लिए सिक्योरिटी दी जाती है, उसको वेरीफाई पर डाल देते हैं, वेरिफिकेशन पर डाल देते हैं और उस व्यक्ति को 1-2 दिन के लिए जेल भेज दिया जाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि आपके ऊपर कलंदरा प्रोसीडिंग चली तो आप थाने से बेल लेकर 100% आ ही जाओगे। 1-2 दिन के लिए आपको सबक सिखाने के लिए आपको जेल भेजा जा सकता है, पर मैं आपको बता दूं आसानी से बेल आपकी इसमें हो जाती है। ये केस नॉर्मली अगर देखा जाए तो 6 महीने ही ये केस चलता है, 6 महीने की प्रोसीडिंग चलती है और ये 1 साल तक एक्सटेंड की जा सकती है, मतलब 1 साल तक भी इसकी प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है। कई बार तो एविडेंस भी कराया जाते हैं, गवाही भी कराई जाती है, ऐसा भी मामला आगे बढ़ जाता है, वो डिपेंड करता है केस टू केस। आपके दिल में कोई भी किसी भी तरह का सवाल है, डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं कलंदरा नोटिस के बारे में या फिर कलंदरा प्रोसीडिंग 107-151 107-151 या फिर 107-150 के बारे में या कोई भी अलग क्रिमिनल प्रोसीडिंग के बारे में या क्रिमिनल केस के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर पूछें, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे, कोशिश करेंगे आपको कानूनी जानकार बनाने की। दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।